दोस्तों, अगर आप किसी को चेक देना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है उसकी और चेक कैसे भरना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना। फ्रेंड्स, जो ये चेक है इसको ब्लू पेन से आपको भरना होगा, नीले पेन से। आते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर है पे, जिसको आप चेक दे रहे हो यहाँ पर उसका नाम आएगा। नाम आप इंग्लिश या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे मेरे को चेक देना है, दोस्तों किसी को भी एक पर्सन को चेक देना है, तो मैं यहाँ पर उनका नाम लिखूँगा। सुबह देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि ये पे है, इसको यहाँ पर बिल्कुल भी आपको गैप नहीं देना है, यहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। रुपीज़ को यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में, यानी कि आपको वर्ड में यहाँ पर लिखना है, आपको यहाँ पर लेटर में लिखना है, शब्दों में लिखना है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो शब्दों में, इंग्लिश में लेटर में। जैसा कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जस्ट इसके बाद में ही, जगह आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है। जैसे कि 50,000 में एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचना है और यहाँ पर एंड कर देना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर नाम लिखा है तो यहाँ पर भी एक आपको ऐसे लाइन खींचना है, जिससे आगे कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसमें फिल कर सके, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ को यहाँ पर वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। जैसे कि 50,000, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जस्ट यहीं से, ये वजह है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको लाइन खींच के एक एरो कर देना है, जिससे कोई भी अगर इसमें चेंजेस करना चाहे तो वो चेंज नहीं कर सके, इसलिए ये लाइन जो है यहाँ पर क्रॉस किया जाता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। जैसे यहाँ पर ये नेम लिखा है, नेम के ऊपर सिग्नेचर करना है। आपका सिग्नेचर, आप चेक दे रहे हो, जैसे कि ये सिग्नेचर हो गया, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद जैसे आज की आपने डेट यहाँ पर डाली, तो ये 3 महीने तक वैलिड रहेगी, 3 महीने के अंदर चेक लग जाना चाहिए। इसे डेट आपको डालना है, ये देख सकते हो, इस तरीके से आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था। अगर जिसको आपको चेक दे रहे हो, जैसे कि इसको चेक दे रहा हूँ मैं एग्जांपल, तो इनके अकाउंट में अगर पेमेंट मेरे को ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ पर ऊपर 2 लाइन खींच के यहाँ पर एसी पे ही कर देना है, ठीक है। एसी पे ही कर दोगे अगर आप, तो सामने वाले के अकाउंट में बैंक पैसा ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाले को डायरेक्टली बैंक जो है कैश दे, मतलब हाथों हाथ जो है दे, तो आपको यहाँ पर एसी पे नहीं लिखना है। तो ये था दोस्तों। उसके बाद ये नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं, चेकबुक नंबर, ये आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको इंटर करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चेक नंबर आपको यहाँ पर, ये फोर जितने ये 3 6 डिजिट्स के स्टार्टिंग के, यहाँ पर इंटर करके डेट और पे का नाम और उनका अमाउंट लिख देना है, ताकि अगर बाद में आप इस चेक को कैंसिल करना चाहते हो तो बाद में इस 6 डिजिट्स कोड से, ताकि बाद में आप इस चेक नंबर से आप इस चेक को कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।